अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ युवक गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक हरदोई के निर्देशों पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी व क्षेत्राधिकारी हरियामा के सर्वेक्षण में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजकरण शर्मा ने पुलिस टीम के साथ मिलकर अवैध शस्त्र बनाने के कारखाने का खुलासा किया है। मुखबिरी की सूचना पर जब पुलिस ने कोतवाली बेनीगंज के लोधोरा गांव के एक मकान पर छापा मारा तो वहां से अवैध असलाह बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ हुआ। मौके से असलाह बनाने के साथ ही कुछ अन्य तवंचे बरामद हुए। असलाह बना रहा एक शातिर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, वहीं उसका साथी मौके से फरार हो गया। बेनीगंज कोतवाली पुलिस मौके से अवैध असलहे बनाने का जखीरा बरामद हुआ। असलाह बनाने वाला एक शातिर अपराधी राम किशोर उर्फ बबलू पुत्र श्री राम भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन उसका साथी राम नरेश उर्फ मुसई पुत्र श्री राम मौके से भागने में सफल हो गया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये थी डीडी टुडे के लिए जिला संवाददाता अवनीश अवस्थी की खास रिपोर्ट। और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? कोतवाली बेनीगंज क्षेत्र में टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध जो कार्रवाई है उसके तहत कुछ लोग हिरासत में लिए गए थे। लदौरा गांव के हैं राम किशोर और इन्हीं के भाई हैं राम नरेश। इन लोगों बारे में सूचना मुखबिर से मिली थी कि ये लोग काफ़ी भारी मात्रा में अवैध असलाहों का कारोबार करते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं इस तरह से, और पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। उसमें भारी मात्रा में बरामदगी हुई है, इनके पास से मशीनें बरामद हैं, असलाहा बने हुए बरामद हैं, अधबने हैं और असलहे बनाने के सामान आदि बरामद हुए हैं। इनको कोतवाली बेनीगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।